हेलो हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका वो स्टडी पर एक और एक और एस एस के प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं मनीष आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ तो चलिए हम एक और प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं जिसमें मैं एस एस के आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा और हर क्वेश्चन को हमें 10 से 15 सेकेंड्स में मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व करना है क्वेश्चन को पढ़ना है और दस से पंद्रह सेकेंड में उसका आंसर लिख देना है कल से एस एस सी के एग्जाम होने वाले हैं आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप आपका अभी एस एस का एग्जाम आने वाला है तो ठीक है तो चलो टाइम लगा लेते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा 20 मिनट में क्योंकि मुझे समझाना भी है क्वेश्चन को लिखना भी है आप लोगों को भी बताना है लेकिन आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ 15 मिनट में सब अपने मोबाइल में घर पे 15 मिनट का टाइम लगाना और अब और सारे के सारे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना ठीक है चलो एक और प्रैक्टिस सेशन हम शुरू करते हैं और टाइम लगाते हैं बीस मिनट का ये मैंने टाइम लगा दिया और शुरू हो गया पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन यह फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अड़तीस सौ सत्तर में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग पांच छह चार और तीन से पूर्ण विभाज्य हो अगर पांच अगर पांच छह चार और तीन से पूर्ण विभाज्य हो इसका मतलब इनके एलसीएम से भी पूर्ण विभाजित होना चाहिए तो पांच छह चार और तीन का एलसीएम कितना होगा निकाल लेते हैं पांच छह चार और तीन तीन ये हो गया पांच धोनी दस चार वन दो से क्या पांच एक दो पाँच दिन दस दून बीस दिया साठ तो साठ से वो पूर्ण विभाजित होनी चाहिए साठ मतलब आ गया एल्सियम मतलब इसका लघुत्तम समावर्तक आ गया साठ और लगा और जो लैसा आया लेसे पूर्ण विभाजित होनी चाहिए तो देखो अड़तीस सत्तावन को हम विभाजित करते हैं कितने से साठ से अड़तीस सत्तावन को मैंने साठ से विभाजित किया ये आ गया छः तीन सौ साठ टू फिफ्टी सेवन चार दो सौ चालीस सत्रह रिमाइंडर बचा मतलब सत्रह यानी कि स, अगर मैं इसमें तैतालीस और जोड़ दूं तो ये साठ से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और सात से विभाजित हो जाएगी तो इन नंबरों से भी विभाजित हो जाएगी तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए फोर्टी थ्री ठीक है उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कागज का प्रभाव पचपन रुपए प्रति किलोग्राम है अगर एक किलोग्राम कागज एक सौ बारहवें रुपये एक सौ बारवे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है तो आठ मीटर वाले एक घन को कवर करने में कितना खर्चा होगा तो देखो आठ मीटर का घन ठीक है आठ मीटर का मतलब हो गया घन का इसको क्षेत्रफल कितना होता है घन का क्षेत्रफल होता है सिक्स ए स्क्वायर यह होता है घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो इस घन का क्षेत्रफल हो गया सिक्स इंटू ए स्क्वायर आठ आठ अठे चौसठ छह गुणा चौंसठ यह आ जाएगा छ चौक चौबीस छः चौ छत्तीस सौ तीन सौ चौरासी मतलब इतने मीटर स्क्वायर का घन का क्षेत्रफल होगा एक सौ बारहवें मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर हो जाता है एक किलोग्राम से एक किलोग्राम से कवर हो जाता है एक सौ बारहवें मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तो एक तीन सौ चौरासी मीटर्स का क्षेत्रफल कितने किलो से कवर होगा दो से चला जाएगा उन्नीस दुनिया अड़तीस दो दुनिया चार तो मतलब दो किलोग्राम कागज़ इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल को कवर कर देगा दो किलोग्राम कागज कितने का आएगा एक किलोग्राम पचपन रुपये में एक किलोग्राम पचपन रुपये का आता है दो किलोग्राम आएगा एक सौ दस रुपये का ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट है एक सौ दस पी क्यू आर आर प्रत्येक की वस्तु की कीमत क्रमशः दो सौ तीन सौ और चार सौ है सुरेश 200 में एक इस अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है तो क्यों प्रकार की उसने कितनी वस्तु खरीदी देखो इस अनुपात में अगर उसने इसी अनुपात में वस्तु खरीदी 200 की एक वस्तु खरीदी उसके दो सौ खर्च हुए ठीक है उसके बाद उसने तीन की दो वस्तुएँ खरीदी उसके छः सौ खर्च हुए चार की तीन वस्तुएँ खरीदी उसके बारह सौ खर्च हुए कुल मिला के कितना खर्च हुआ बारह और अठारह और दो दो हज़ार दो हजार रुपए खर्च हुए और उसने सच में कितने खर्च किए थे दो हजार तो उसने सच में भी देखो दो हजार रुपए खर्च किए थे दो हजार ही खर्च हुए यानी उसने इतनी ही वस्तुएं खरीदी हैं इसी अनुपात में तो क्यों उसने क्यों प्रकार की दो वस्तुएं खरीदी हैं ठीक है दो का मतलब ऑप्शन ही करेक्ट हो गया ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन करो ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर कर सकते हैं ए उतने ही बी uh, और सी मिलकर कर सकते हैं यदि ए और बी एक साथ इसे आठ दिनों में करते हैं तो और सी अकेला इसे चालीस दिन में करता है तो बी अकेले इसे कितने दिन में करेगा तो देखो आठ चालीस यानी कि चालीस यूनिट काम हो गया ये दोनों मिलकर के पाँच यूनिट करते हैं सी एक यूनिट करता है तो देखो ए और बी मिलकर के पाँच यूनिट काम करते हैं ए और बी मिलकर के पाँच यूनिट काम करते हैं और ए इस, इसे अगर एक बार देखोगे तो ए माइनस बी बराबर सी है और सी कितना काम करता है एक सी एक दिन में एक यूनिट काम करता है एक सेकेंड को सी एक सी एक दिन में एक यूनिट काम करता है मतलब ए की इफिशियंसी बी से घटाने पे एक आ जाएगा तो ये हो गया ए माइनस बी बराबर वन बी गया तो यहाँ से ए की इफिशियंसी आ गई तीन यानी ए एक दिन में तीन यूनिट काम करता है अगर ए एक दिन में तीन यूनिट काम करता है इसका मतलब बी कितना काम करेगा दो यूनिट बी अगर एक दिन में दो यूनिट काम करता है चालीस काम करने में उसे लगेंगे बीस दिन ऑप्शन सी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए बी और सी का औसत वजन दिया हुआ है पचपन के यदि ए और बी का औसत वजन इतना है बी सी का औसत वजन इतना है तो बी का कितना है तो देखो ए बी और सी का औसत वजन पचपन है तो कुल वजन कितना हो गया पचपन गुणा तीन ये हो गया एक और किसका दिया हुआ ए और बी का औसत वजन है बावन बावन का मतलब कुल वजन हो गया 104 और बी और सी का औसत वजन है 48 तो इनका कुल वजन कितना हो गया इनका कुल वजन हो गया 48 गुणा दो मतलब छाड़ में 96 सिक्स इनका कुल वजन हो गया ठीक है अब यहाँ से ए का वजन निकाल लेंगे बी प्लस सी का छाड़ में तो ए का हो गया एक सौ पैंसठ माइनस एक सौ पैंसठ माइनस छाड़ में कितना आ जाएगा सिक्स नाइन ए सिक्स नाइन के जी का ए का वजन है सिक्सटी नाइन के जी ए का जी है तो बी का वजन यहां से आ जाएगा बी का वजन कितना हो गया बी का एक सौ चार माइनस सिक्सटी नाइन ये आ जाएगा थर्टी फाइव बी का वजन आ गया एक सौ चार माइनस सिक्सटी नाइन ठीक है थर्टी फाइव ऑप्शन डी करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 840 में 17 गेंदों को बेचने पर पांच गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है हाँ। तो देखो 840 में जब मैं 17 गेंदे बेचूंगा तो मुझे पांच गेंदों का नुकसान हो जाएगा इसका मतलब अगर मैं पांच गेंदे ना बेचूं मैं सिर्फ 12 गेंदे बेचूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा इसका मतलब हुआ 12 गेंदों का क्रय मूल्य है 840 ये बात समझ आई ना कि अगर मैं आठ सौ में सत्रह गेंदे बेचता हूं तो मुझे पांच गेंदों का नुकसान हो रहा है मैं उन पांच गेंदों को नहीं बेचता मैं बारह गेंदे ही बेचता हूं तो मुझे ना कोई नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा इसका मतलब वही है मेरी लागत तो 840 गेंदों 840 सौ में 12 गेंदे आती हैं ये मेरी लागत है तो एक गेंद कितने की आएगी 840 सौ चालीस बटे 12 तो बारह से बारह सिंह बारह सत्तर चौरासी एक गेंद सत्तर रुपये की है एक गेंद का क्रय मूल्य यानी कि लागत है उसकी सत्तर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चार्ट दे रखा है और ये कह रहा है किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था कंपनी वाई और जेड वाई है ये ट्रायंगल वाली और जेड है ये डब्बे वाली तो बस ये देखना ट्रायंगल और डब्बे में कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ये रहा ट्राइंगल डब्बा दो का डिफरेंस ये रहा ट्राइंगल और डब्बा इतना डिफरेंस और यहाँ पर देखो यहाँ ज़्यादा है एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ पे साठ का डिफरेंस है यहाँ पर भी कम है यहाँ पर भी कम है यहाँ पे भी कम है यहाँ पे भी कम है सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां है कौन से वर्ष 1995। तो बस इसका आंसर तो देख के हो जाएगा 1995। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है चार अनुपात एक पांच वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है अच्छा देखो इसका ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि वो पांच वर्ष पहले उसने अनुपात दिया हुआ मतलब पांच वर्ष पहले भी पुत्र था अगर पुत्र की आयु तीन वर्ष होती तो पांच वर्ष पहले तो वो होता ही नहीं उसके वो पैदा ही नहीं हुआ था और पांच वर्ष पहले भी उसकी आयु हो जीरो हो अनुपात जीरो हो जाता तो ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं दो ऑप्शन तो हमने देख के काट दिए बचे सिर्फ दो ऑप्शन या तो दस वर्ष आंसर है आठ वर्ष आंसर है वो निकाल लेते हैं तो देखो चार और एक तो पांच वर्ष पहले तो पांच वर्ष पहले पिता की एज कितनी थी फोर एक्स माइनस फाइव और बेटे की एज कितनी थी एक्स माइनस फाइव अनुपात कितना था सात अनुपात एक यहाँ से एक्स कैलकुलेट कर लेंगे ये आ जाएगा फोर एक्स माइनस फाइव बराबर सेवन एक्स माइनस फाइव तो सेवन एक्स में से फोर एक्स गए थ्री एक्स और माइनस फाइव प्लस फाइव ये हो गया सॉरी यहाँ पे सेवन यहाँ पे आएगा थर्टी फाइव सेवन फाइव थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव में से फाइव गए यह हो गया 7, आया, आया, थर्टी तो गया, हो गया, 30. एक्स आ गया टेन एक्स टेन और यानी कि इसकी एज हो गई फोर्टी इसकी हो गई टेन पूछी किसकी है पुत्र की पुत्र की एज टेन ऑप्शन ए करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कह रहा है सैम ने चार सौ अस्सी रुपये प्रति दर्जन की दर से बीस दर्जन खिलौने खरीदे और उसने उनमें से प्रत्येक को बयालीस रुपए की दर से बेचा मतलब एक खिलौना बेचा बयालीस रुपए का तो बारह खिलौने एक दर्जन में बारह होते हैं तो बारह खिलौने कितने के बेचेगा बारह खिलौने बेचेगा चार सौ बीस प्लस बयालीस धूनी चौरासी चौरासी तो ये हो गया चार आठ दो दस पाँच सौ चार पाँच सौ चार रुपये के बेचेगा प्रॉफिट कितना कमाया खरीदे थे चार सौ अस्सी रुपये के बेच दिए पाँच सौ चार रुपये के तो उसने चौबीस रुपये का चौबीस रुपये का प्रॉफिट कमाया कितने पे चार सौ अस्सी रुपये पे ठीक है पूछा क्या है पूछा है उसका लाभ प्रतिशत तो इसका प्रतिशत निकाल दो सौ चौबीस वन जा चौबीस टू जा ये हो गया फाइव परसेंट उसे पाँच परसेंट का लाभ हुआ ठीक है आसान है आगे देखो लग रहे हैं क्या दस सेकेंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेंगे आगे देखो अपनी वास्तविक गति के तीन बटा आठ पर यात्रा करने वाली एक कार दो घंटे दस मिनट में पैंसठ किलोमीटर की दूरी तय करती है कार की वास्तविक गति प्राप्त पता कीजिए तो देखो दो घंटे दस मिनट का मतलब हो गया एक घंटे में साठ मिनट दो घंटे में एक मिनट और दस मिनट एक्स्ट्रा मतलब एक मिनट में यह कार पैंसठ किलोमीटर चलती है तो एक मिनट में कितना कवर करेगी 130 मिनट में, में यह पैंसठ किलोमीटर चलती है तो दो मिनट में कितना कवर करती है एक किलोमीटर ठीक है दो मिनट में एक किलोमीटर कवर करती है तो साठ मिनट यानी कि एक घंटे में कितना कवर करेगी एक घंटे में कवर करेगी तीस किलोमीटर हो होगी इसकी वो वाली तीन बटा आठ वाली स्पीड तीस किलोमीटर अब देखो अगर वास्तविक अगर स्पीड तीन थी तो वास्तविक स्पीड थी आठ अगर अब की जो प्रेजेंट स्पीड है वो तीस है तो वास्तविक वास्तविक स्पीड कितनी होगी तीन दस मतलब एक यूनिट दस है तो गोला दस वास्तविक स्पीड हो गई अस्सी किलोमीटर पर आर कितनी अस्सी किलोमीटर पर आवर तो आंसर हो गया ए अस्सी किलोमीटर पर आवर ठीक है अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात सबसे अधिक था निर्यात सबसे अधिक था तीनों कंपनियों का तो ये देखो यहाँ 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 यहा, ये तो नीचे नीचे एक मिनट उन्हीं वर्षों का चेक करते जो दिया हुआ नाइनटीन नाइनटी सिक्स नाइनटीन नाइनटी सिक्स ये 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 1998, 1998, नाइनटीन ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों कितने हो गए नब्बे और सत्तर एक सौ साठ और साठ दो सौ बीस ये जोड़ो सौ और अस्सी एक सौ अस्सी और पचास दो सौ तीस उसके बाद उन्नीस सौ पिचाव में उन्नीस सौ में ये, ये 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 हो गए एक सौ बीस और साठ एक सौ अस्सी एक सौ बीस और साठ एक सौ अस्सी और चालीस दो सौ बीस और नाइनटीन नाइन्टी नाइन का तो देख के ही पता लग रहा आंसर ये है क्योंकि देखो तीनों ऊपर है और फिर भी जोड़ लोगे तो 140 और दो एक सौ और 100, 360 सबसे ज्यादा निरात इन्हीं का है तो आंसर हो गया वो नाइनटीन ऑप्शन डी देख के पता लग रहा था ये तीन अलग है ये अलग है ये तीनों का जोड़ी सबसे ज्यादा आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए ने बी को दो वर्षों के लिए पैंसठ और सी को चार वर्षों के लिए आठ समान दर से साधारण ब्याज पर दिए उन दोनों से ब्याज के रूप में पैंतालीस सौ रुपए प्राप्त हुए प्रतिवर्ष ब्याज दर है तो देखो ए ने कितना दिया था ए को पैसठ सौ रुपए दिए थे रेट मुझे नहीं पता है किस रेट पे दिए हैं कितने वर्षों के लिए दिए हैं दो वर्षों के लिए दिए हैं ये हो गया पहला इंटरेस्ट पहला ब्याज और दूसरे सी को उसने दिए हैं आठ हजार रुपये आठ हजार रुपए कितने वर्षों के रेट सेम रेट पर है जो पहले रेट थी वही रेट अब है और कितने टाइम के लिए चार वर्षों के लिए योग्य दूसरा ब्याज अब मुझे बताया गया दोनों से मिला के उसे पैंतालीस सौ रुपये मिले दोनों का ब्याज मिला के बस यहाँ से आर कैलकुलेट करना है ये देखो जीरो से जीरो गया पैंसठ धुनी हो गया पैंसठ धुनी एक सौ तीस प्लस यहाँ जीरो से ज़ीरो गया आठ चौ बत्तीस तीन सौ चालीस बराबर और एक तीस ये इसे जोड़ दो ये हो गया आ, चार सौ सत्तर ठीक है आगे कर लेना रेट आ जाएगी यहां से दस परसेंट एक सेकेंड को पैंसठ सौ दिए मल्टीप्लाइड बाय आर गुणा दो पैंसठ दूनी छह दूनी बारह एक सौ तीस ठीक आठ चौक हाँ, आठ चौक बत्तीस सॉरी ये चौतीस नहीं है ये बत्तीस है तो ये आ जाएगा चार सौ पचास चार सौ पचास आर बराबर पैंतालीस सौ चार सौ पचास गया दस रेट आ गई दस परसेंट ठीक है रेट आ गई टेन परसेंट आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजू विनोद एक नियत कार्य असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं राजू को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो आठ घंटों में बत्तीस पेज टाइप करता है तो एक घंटे में कितने टाइप करेगा चार पेज कौन राजू उसके बाद जबकि विनोद को चवालीस पेज टाइप करने में छः घंटे लगते हैं तो विनोद चवालीस पेज टाइप करता है छः घंटे में तो एक घंटे में कितने टाइप करेगा चवालीस बटा 6 मतलब बाईस बटा तीन पेज अब आगे कह रहा है 102 पेजों का असाइनमेंट दो अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा तो देखो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक घंटे में वो टाइप कर देंगे चार प्लस बाईस बटा तीन पेज मतलब तो चार तिया बारह और बाईस बारह बत्तीस चौंतीस बटा तीन पेज वो एक घंटे में टाइप करते हैं तो एक पेज टाइप करने में कितने एक घंटे लगाएंगे चौंतीस घुड़ा तीन ये हो गया चार तीन तिया नौ और ये तीन से कट जाएगा तीन 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 नौ मतलब उन्हें नौ घंटे लगेंगे नौ घंटे में दोनों टाइप कर देंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट देखो दो संख्याएं दो अनुपात तीन के अनुपात में हैं यदि पहली से पचास घटाया जाता है अनुपात है दो अनुपात तीन पहली से पचास घटाया जाता है पहली से पचास घटाया दूसरी में पचास जोड़ा जाए तो दूसरी में मैं पचास जोड़ देता हूँ तो नया अनुपात हो जाएगा एक अनुपात चार अब मुझसे पूछा मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए ओके तो निकाल लेते हैं योग्य चार दो एट एक्स माइनस टू हंड्रेड बराबर थ्री एक्स प्लस फिफ्टी थ्री एक्स प्लस फिफ्टी एट एक्स फाइव एक्स इक्वल्स ये जाएगा टू फिफ्टी एक्स हो गया फिफ्टी तो मूल संख्या कितनी हो गई डेढ़ सौ और सौ और डेढ़ सौ और सौ ढाई सौ ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आसान सा यहाँ से शुरू करेंगे छब्बीस को गुणा करो सबसे पहले एक सौ एक सौ सात में तो छब्बीस को एक सौ सात में गुणा करने के लिए देखो छब्बीस सौ सौ से गुणा की और फिर छब्बीस सत्ते छब्बीस सत्ते होते हैं एक सौ बयासी वन एट्टी टू तो ये हो गया टू सेवन एट टू ठीक है ये समझ आया तो एक दो तीन तीन के बाद वो लगेगा टू पॉइंट सेवन एट टू टू पॉइंट सेवन एट टू इससे घटाना 3.3 थ्री पॉइंट थ्री से और इसमें ज़ीरो पॉइंट थ्री की मल्टीप्लाई करनी है और इसे पाँच से जोड़ देना है ठीक है ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है अब तो आगे कर लोगे इसका आंसर सी आएगा 3.2446 आगे इसे कर लेना आगे कर चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट इतना था कि 26 गुणा एक को पूरा बेसिक से करने की जरूरत नहीं है 26 को एक बार गुणा करो 100 से तो 26 को 100 से गुणा किया तो यह आ गया छब्बीस और छब्बीस की गुणा करो फिर सात से वो हो गया एक ये तो हमें औरल ही याद है उन दोनों को जोड़ दिया तो वही आएगा छब्बीस गुणा एक सौ तीन पॉइंट के बाद दशमलव लगा हुआ तो तीन के बाद हमने दशमलव लगा दिया अब आगे इसे सॉल्व कर लेना सिम और बस कैलकुलेशन बची है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक आयताकार बॉक्स की मूल चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है यह आयताकार बॉक्स है इसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर बॉक्स को इस तरह से बनाया गया कि इसकी लंबाई पंद्रह परसेंट बढ़ गई तो मान लो पहले लंबाई एल थी बाद में पंद्रह परसेंट बढ़ गई चौड़ाई पाँच परसेंट कम हो गई इसके कारण इसके क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हुई बॉक्स की लंबाई क्या है तो देखो पहले क्षेत्रफल कितना था बीस एल बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया लंबाई बाद में कितनी हो गई वन पॉइंट वन फाइव एल ठीक है और गुणा एक सेकेंड गुणा उन्नीस का पांच परसेंट कम गई उन्नीस का बीस का पांच परसेंट कम हो गई बीस का बीस का पांच हो का, परसेंट का होता एक, एक है हो कितना हो, आया उन्नीस मतलब उन्नीस और उसने कहा चौहत्तर की वृद्धि हुई मतलब वृद्धि हुई मतलब ये ज्यादा है चौहत्तर इससे तो इस इधर चौहत्तर जोड़ दिया ये दोनों बराबर हो जाएंगे ठीक है यहाँ से इसे कैलकुलेट करना यहाँ से आ जाएगी बॉक्स की लंबाई जब इसे पूरा सॉल्व करोगे ये आ जाएगा एल बराबर चालीस ठीक है सेवनटी uh, फोर उधर जा uh, ये ये मल्टीप्लाई होगा फिर बीस उधर जाएगा ये कट कट जाएगा और इसे पूरा सॉल्व कर लेना ये आ जाएगा फोर्टी लंबाई आ जाएगी फोर्टी सेंटीमीटर ऑप्शन सी ठीक है आगे देखो यदि पचपन छप्पन और चवालीस छात्रों के तीन बैचों के औसत अंक इतने हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक इतने होंगे तो चलो निकालते हैं पचास छात्रों के बैच के औसत अंक है पचपन तो कुल अंक उनके इतने हो गए पचास गुणा पचपन हो गए उनके कुल अंक उनक। उसके बाद छप्पन छात्रों के बैच के औसत अंक है बावन ये हो गए उनके कुल अंक और चवालीस छात्रों के बैच के कुल अंक है चालीस तो ये हो गए उनके कुल अंक पूरी क्लास के अंक बटे में टोटल कितने छात्र थे पचास छप्पन और चवालीस इतने छात्र थे बस ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ये होगा सभी छात्रों का औसत अंक सभी छात्रों के अंक कितने होंगे कैलकुलेट कर लोगे ये आ जाएगा फोर्टी नाइन पॉइंट फोर एट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से अठारह सौ की राशि दो वर्षों में इक्कीस सौ अठहत्तर हो जाएगी अठारह सौ की राशि दो वर्षों में कितनी हो जानी चाहिए इक्कीस सौ तो अठहत्तर इक्कीस सौ तो अठहत्तर का मतलब है कितनी बड़ी इक्कीस सौ अठहत्तर में से घटा दो एक सेकेंड हो इसे ऐसे करेंगे अमाउंट मुझे दिया हुआ और मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ अमाउंट है इक्कीस सौ अठहत्तर प्रिंसिपल अठारह सौ इक्कीस सौ अठहत्तर रेशो प्रिंसिपल प्रिंसिपल अठारह सौ दो से कटरा दो से घटा दो एक हम दो जीरो एट नाइन वन जीरो एट नाइन ये हो गया नाइन हंड्रेड ठीक है अमाउंट तो अमाउंट का जब रूट लेते हैं तो हमारा रेट आ जाता है ये आ जाएगा थर्टी थ्री इस टू थर्टी दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया मतलब मुझे अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशो को सिम्पलीफाई करना है सबसे पहले मैंने दो से काटा ये इतना आ गया फिर दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया ये आ गया तैंतीस तीन मतलब अगर प्रिंसिपल तीस था तो अमाउंट बाद में कितना बना तैतीस कितना बढ़ा तीन तीन रुपये का मुझे चक ब्याज मिला तीस रुपये प्रिंसिपल मतलब तीस रुपये मैंने रकम लगाई थी बाद में चक्रवर्ती ब्याज के साथ मुझे तैतीस रुपये मिल गए तीन रुपये का मुझे ब्याज मिला तीन रुपये का मिल मुझे ब्याज कितने पर तीस पे कितना रेट आ गया रेट आ गया दस परसेंट ठीक है तो आप आंसर हो गया सी टेन परसेंट टेन परसेंट रेट पे मैंने दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दो हजार पर बीस परसेंट की छूट और दस परसेंट एवं दस परसेंट की दो क्रमिक छूटों में अंतर कितना होगा तो देखो दस परसेंट और दस परसेंट की दो क्रमिक छूटें होती हैं दस इंटू दस बाई हंड्रेड ये किएगा <laughs> कोई बात नहीं पता है आपको मुझे समझाना भी होता है आप लोग पंद्रह मिनट भगड़ना तो देखो दस और दस बीस बीस में से एक गया उन्नीस मतलब इसका मतलब हुआ दस परसेंट और दस परसेंट की दो क्रमागत छूटों का मतलब है उन्नीस परसेंट का टोटल डिस्काउंट ठीक है अब पहले मैंने दिया था बीस परसेंट का डिस्काउंट मतलब एक परसेंट दोनों के बीच का अंतर होगा एक परसेंट दो हजार का एक परसेंट होता है बीस ऑप्शन ए करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक कस्बे की आबादी एक इतनी इतने से बढ़ के इतनी हो गई प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि बताइए तो देखो जनसंख्या कितनी बढ़ी पहले थी दो लाख सतहत्तर हज़ार पाँच सौ बाद में और, और सॉरी पहले थी एक लाख पिच हज़ार और बाद में कितनी होगी दो लाख सतहत्तर हज़ार पाँच सौ तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे इतनी जनसंख्या बढ़ी कितने साल में बढ़ी दस सालों में बढ़ी ठीक है तो एक साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो ये कितना आएगा इसे निकाल लेते हैं पाँच में से पाँच गया तीन जीरो अट्ठारह में से एक गया सात गया एक मतलब आठ में से एक गया सात और सॉरी इधर से उधर का घटाना है पाँच सौ जीरो 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 सत्रह में से आठ गए आगे नौ और छब्बीस में से एक गया पच्चीस ठीक है एक सेकेंड जीरो जीरो पांच, पांच ये भी पांच में से पांच गया जीरो सत्रह में, में से आठ गए नौ और छ में से मैंने ज्यादा लिख दिया कुछ एक जीरो और है यहाँ वो रह गए पांच सौ उसके बाद सात में से पांच गए दो और सत्ताईस में से गए नौ मतलब बारहवें हजार पांच सौ जनसंख्या बढ़ गई ठीक है कितने दस सालों में तो एक साल में कितनी बढ़ी बाढ़ में नौ हज़ार पाँच सौ पचास ये एक साल में बढ़े अब पूछा औसत जनसंख्या प्रतिशत तो पहले कितनी थी एक लाख पचासी हज़ार इतनी जनसंख्या थी और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे इसे सॉल्व करके इसका परसेंटेज आ जाएगा ये बन जाएगा फाइव परसेंट मतलब इसका मतलब हुआ जनसंख्या हर साल पाँच परसेंट बढ़ रही है पाँच परसेंट की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है ये कल्याण है और ये मुंबई है गया है 10 किलोमीटर की गति से 15 की स्पीड से वापस आया तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है तो इससे पहले कि आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो औसत गति हमेशा क्या होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है तो देखो एक्स किलोमीटर वो गया एक्स किलोमीटर वो वापस आया तो पूरी दूरी होगी गई टू एक्स गया एक्स वापस हो गया तो अब कुल समय एक्स जब गया एक्स गया तो कितने की स्पीड से गया था दस की स्पीड से ठीक है ये हो गया जाने का समय और वापस आने का समय कितना एक्स वापस आया और किस स्पीड से आया पंद्रह की स्पीड से आया ये हो गया वापस आने का समय बस इसे सॉल्व कर लेना उससे औसत गति, गति आ जाएगी वो आ जाएगी बारह किलोमीटर x से x कट जाएगा इसे सॉल्व करो और बारह किलोमीटर पर घंटा उसकी औसत गति आ जाएगी ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जब जया ने गोले के आयतन से गोले का आयतन कितना होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभाजित किया पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फोर पाई आर स्क्वायर तो उसे दो बटा तीन आंसर मिला मतलब ये दो बटा तीन के बराबर है पूछा गोले की त्रिज्या गया यहाँ से आर निकल जाएगी देखो फोर पाई से फोर पाई कट गया आर स्क्वायर से ये कट गया ये आ गया आर बाई तीन से तीन कट गया आर आ गई दो दो सेंटीमीटर रेडियस निकल गई दो सेंटीमीटर एक मिनट कुछ गलती हो गई तो गोले की त्रिज्या क्या है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब फोर पाई आर स्क्वायर फोर पाई से फोर पाई कट गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया आ, ये बचा आर इक्वल्स टू टू क्वेश्चन गया <laughs> इसका आंसर टू ही है या ऑप्शन गलत है फिर ऑप्शन गलत है हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है ये आएगा टू सेंटीमीटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छब्बीस अवलोकनों का मध्य छत्तीस है इन अवलोकनों में से यदि पहले तेरह अवलोकनों का माध्य बत्तीस है अंतिम तेरह तो देखो अवलोकन का अंतिम अवलोकन का माध्य पता लगाना तेरह तो दोनों माध्यम को जोड़ देंगे बत्तीस और चालीस जोड़ दिया और उसमें से च, पहला माध्य था छत्तीस अब एक तेरह का निकालना है तो छब्बीस में से पच्चीस बचा इसे कैलकुलेट कर लेंगे ये कैलकुलेट करके आ जाएगा छत्तीस इसका मतलब तेरहवे अवलोकन का माध्य है छत्तीस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्� सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आसान सा इसे देखो पच्चीस आठ छिंग अड़तालीस होता है मतलब आठ प्लस बारह दुनी चौबीस ठीक है ये कितना आ गया फोर्टी वन ऑप्शन सी तो हमारा प्रैक्टिस सेशन हमने पच्चीस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ठीक है तो मिलते हैं फिर एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ और सब लोग अच्छे से अपना जी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कीजिएगा जो जो आज जिनका एग्ज़ाम आज है या कल है और उसके बाद बहुत जल्द एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलते हैं हम थैंक यू सो मच